हाँ अलबत्ता सिर्फ बिदत तो बुरी बिदत को ही कहते हैं, ये जो बिदत है तो अब इसके मुराद बुरी बिदत, जैसे कि वो कहेंगे कि ये बाखलाक है, अले अखलाक अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, लेकिन जब किसी को बाखलाक कहेंगे ना तो इसके मुराद ये कि ये अच्छे अखलाक वाला है, और अगर बुरे अखलाक वाला इसको ये कहेंगे ये बद अखलाक है। बाखलाक माने अखलाक वाला, खुश अखलाक ये भी लफ्ज इस्तेमाल होता है लेकिन बाखलाक भी इस्तेमाल होता है। इस तरह कई अल्फाज होते हैं कि जब एक लफ्ज मुराद लिया जाए तो उससे वो मखसूस माना मुराद लिए जाते हैं। इसी तरह बाज बिदअतें वो ऐसी भी होती है कि जिनको बिदअत वाजिबा करार दिया गया, जिसे अब कुरान पाक में पहले नुक्ते नहीं थे, अरबी कुरान शरीफ जो लिखा जाता उसमें नुक्ते नहीं थे, नुक्ते बाद वालों ने ईजाद किए कि बा के नीचे एक नुक्ता, ते के ता के ऊपर दो नुक्ते, सा के ऊपर तीन नुक्ते, शीन के ऊपर तीन नुक्ते, हा के पेट में नुक्ता करो तो जीम बन जाए और इसके सर पे नुक्ता करो तो खा बन जाए। ये पहले नुक्ते थे नहीं, वो अरबी जानते वो समझ लेते थे, हमारे लिए पढ़ना नामुमकिन है। इसी तरह एहराब ये भी बाद में लगाए गए सहाबा इकराम के दौर में, ना नुक्ते लगे ना एहराब लगे, तब बाद में उन्होंने किया। तो ये बहुत जरूरी भी देते हैं कि इनके बगैर अब कुरान शरीफ पढ़ना नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब बड़े से बड़ा मैं समझता हूं कि वो अल्लामा भी है वो कुरान शरीफ को बगैर नुक्तों के नहीं समझ सकेगा, नुक्ते बहुत जरूरी, इसे अरबी जबान को बगैर नुक्ते के नहीं समझ सकेगा, ये नुक्ते बाद में जाने। अल्हम्दुलिल्लाह والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وسلم। आपकी गुफ्तगू से यह बात जाहिर हुई कि हर वो काम जो नया जाहिर हो इसे बुरी बिदअत के इसको बुरी बिदअत से मौसूम नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, बल्कि बिदअत ईजाद करने का तो तरजीह है हदीस पाक में, हदीस पाक में तरजीह। ये मैंने काफी सफहात खजाने सुन्नत में लिखे मुसलमानों की रहनुमाई के लिए ताकि शैतानी वसवसों की काट हो जाए। ये बिदअत से मुताल्लिक मौजू है जी? नहीं, इसमें बिदअत के मुताल्लिक भी कुछ मतलब सफहात मैंने दिए, मैं आपको अभी अर्ज करता हूँ। रहनुमाई फरमा दो खजाने सुन्नत से अर्ज करता हूँ निकाल के, ये सफा नंबर 1104 से लेकर 1113 9 सफा पर बिदअत के बारे में दिया है मैंने। चुनाचे बिदअत की तरगीब मैंने अर्ज की ना कि हदीस पाक में मौजूद है, बिदअत हसना की तरगीब सही मुस्लिम हदीस नंबर 1017 अल्लाह के प्यारे हबीब अज़्ज़ा वजल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान में रहमत निशान है, जो कोई इस्लाम में अच्छा तरीका जारी करे उसको इसका सवाब मिलेगा, और उसका भी जो लोग इसके बाद उस पर अमल करेंगे और उनके सवाब से कुछ कम ना होगा, और जो शख्स इस्लाम में बुरा तरीका जारी करे उस पर इसका गुना भी है, और उनका भी जो इसके बाद इस पर अमल करे और उनके गुनाह में कुछ कमी ना होगी। तो देखा आपने अच्छा तरीका जारी करने की तो हदीस पाक में तरगीब मौजूद है। हुजूर इस रिवायत के बाद तो सारे मसाइल खत्म हो जाते हैं। जी हाँ, तो बिदअत तो आप क्या किसके में क्या बच ही नहीं सकता, आप खुद सराफा बिदअत है। आप कहां से दो रहे आप जो नई चीज है, आपको पैदा हुए 35 साल हुए होंगे, इनको 22 साल हुए होंगे, मुझे 57 साल हो तो मैं भी बिदअत, फिर सारे बिदअत, इनको जितने भी जिंदा है सबके सब बिदअत है। इन मानो करके अगर इसका माना नई चीज की जाए तो इन्हें कि एक आपको वैसे ही आप अर्ज कर रहा हूं अजरा तफन्नन कह रहा हूं, इनको सारे बिदअत हुए थे, ये पंखे बिदअत है, ये बत्तियां बिदअत है, ये कहां चीज हम, ये आप स्पीकर पर मुझे सुन रहे हैं ये बिदअत है,
उर्दू जबान की भी कोई मेरी तहकीक नहीं है कि सरकार के दौर में बोली जाती थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या किसी साहबी ने उर्दू बोली थी। उर्दू में बोल रहा आप सुन रहे हैं, आप भी उर्दू बोलते हैं, उर्दू में बयान हो रहा है, जिनकी बातें हो रही है। लेंथर की मस्जिद है, लेंथर की छतें, ये मार्बल बिछा हुआ आपके फर्श पर, ऑयल पेंट किया हुआ, कोई साबित कर दे दौरे रिसालत में मस्जिद इस तरह बनती थी जैसे आज बनती है, कोई गुंबद साबित कर दे मस्जिद का कि पहले गुंबद बनता था और ये टाकनुमा मेहराब मस्जिद में बनते थे, मनारे बनते थे मस्जिद के, कोई साबित कर दे, कभी भी नहीं साबित करेगा कि बनते नहीं थे। सब्ज गुंबद जिसकी ज्यारत के बाहर मुसलमान तड़पता है, ये भी सहाबा किराम के दौर में कहां था, बहुत बाद में सदियों बाद में ईजाद हुआ, आशिकों ने बनाया। तो सहाबा किराम ने नहीं बनाया तो इसका मतलब कि अब कोई नहीं बना सकता, ये नहीं है, इजाजत मौजूद है ना। तो जो देखने वाले और सुनने वालों के लिए एक बार फिर इशारा फरमाते हैं कि वो कौन सी बिदअत है जो बुरी है। बेटे बिदअत तो वो बुरी है कि जो किसी सुन्नत को मिटाए। हदीस पाक में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हर वो गुमराह करने वाली बिदअत जिससे अल्लाह और उसका रसूल राजी न हो, तो उस गुमराही वाली बिदअत को जारी करने वाले पर उस बिदअत पर अमल करने वालों की मिसल गुनाह, उसे गुनाह मिल जाना लोगों के गुनाहों में कमी नहीं करेगा। ये जामे तिर्मिजी जिल्द 4 सफहा नंबर 309 पर यह हदीस मौजूद, हदीस नंबर 2686। एक और हदीस पाक में मजीद वजाहत है, चुनाचे उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतना आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, अल्लाह के महबूब दाना गुयूब मुनज़्ज़हून अनिल उयूब अज़्ज़ा वजल्ला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हमारे दीन में ऐसी नई बिदअत निकाले जो उसकी असल में से ना हो वो मरदूद है। इन अहादीस मुबारका से मालूम हुआ कि ऐसी नई बात जो सुन्नत से दूर करके गुमराह करने वाली हो, जिसकी असल यानी बुनियाद दीन में ना हो, वो बिदअत सैयअह है यानी बुरी बिदअत है। जबकि दीन में ऐसी नई बात जो सुन्नत पर अमल करने में मदद करने वाली हो और जिसकी असल दीन से साबित हो, वो बिदअत हसना यानी अच्छी बिदअत कहलाती है। हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुल्लाह अल कवि अशरतुल लमा जिल्द अव्वल सफा 135 पर इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, वकुल्ल दलालतिन फिन्नार, यानी कि और हर गुमराही जहन्नम में, यानी कि वो गुमराह तो बिदअत, तो इसके गुमराही वाली बिदअत के तहत फरमाते हैं, जो बिदअत के उसूल और कवाइद सुन्नत के मुआफिक और उसके मुताबिक कयास की हुई है यानी शरीयत और सुन्नत से नहीं टकराती, उसको बिदअत हसना कहते हैं, और जो उसके खिलाफ है वो बिदअत दलालत यानी गुमराह वाली बिदअत कहलाती है। बहरहाल अच्छी और बुरी बिदअत की तकसीम जरूरी है, वरना कई अच्छी अच्छी बिदअतें ऐसी हैं कि अगर उनको सिर्फ इसलिए तर्क कर दिया जाए कि ये कुरून सलासा यानी शाह खैरुल अनाम सहाबा किराम व ताबईन इज़ाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अलैहिम रिज़वान के अदवार पुर अनवार में नहीं थी, तो दीन का मौजूदा निजाम ही ना चल सके। जैसा कि दीनी मदारिस इनमें दरसे निजामी कुरान अहादीस और इस्लामी किताबों की प्रेस में छपाई वगैरह वगैरह, ये तमाम काम पहले ना थे बाद में जारी हुए और बिदअत हसना में शामिल है। जो माशाल्लाह आपने ये सारी वजाहत करके कई वसवसों का इलाज अता फरमा दिया, और इस पर आवाम जो है इनके लिए कोई आखिरी कलाम हो जाए। तो वही जो बात नहीं है और वो शरीयत से नहीं टकराती वो जायज होती है, ये उसूल याद रख ले, वरना तो मैंने सुना अगर निजाम चल ही नहीं सकता। अब मैं आपको बताऊं कि अजान से पहले बहुत से मुसलमान दुरूद पाक पढ़ते हैं कि शैतान वसवसा डालता है, कि हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला उन्होंने तो अजान से पहले दुरूद पाक नहीं पढ़ा था, तो इसलिए ये बिदअत बुरी बिदअत हो गई, तो ये बड़ी ज्यादती है। देखो ना कुरान पाक में हुक्म है सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा, कि दुरूद और खूब सलाम भेजो, इसमें कहीं भी वक्त नहीं लिखा हुआ कि कब पढ़ो कब ना पढ़ो, ठीक है। तो अब जो जो वक्त
ये जो कि मना नहीं किया गया उसमें पढ़ सकते हैं दुरुस्त, तो अजान से पहले का मना नहीं है ना बाद का मना है।